और ये रही मेरी लॉकडाउन वाली शक्ल। और सबसे अच्छी बात है कि इस घर की खिड़कियां दरवाजे सब खुले हैं। लेट मी शो यू। खोया खोया सांड, नहीं सांड नहीं, चांद। ये देखो पड़ोसी का घर। तो आज हम बनाते हैं शेजवान चटनी चिंग स्टाइल। और ये मेरी रेसिपी नहीं है, इंटरनेट की रेसिपी है। और कुछ गलती हुई हो, कुछ भी हुआ हो, डोंट ब्लेम इट ऑन मी। लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब किया हो तो, नहीं किया हो तो तब भी कर देना। शेजवान सॉस के लिए हम लेंगे सूखी लाल मिर्च या कश्मीरी मिर्च, क्योंकि लॉकडाउन है, मेरे पास यही है तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो प्रेफरेबली कश्मीरी मिर्च लेना चाहिए, जिससे वो थोड़ा कम कड़वी होती है। मैंने इस मिर्च को रात भर भिगोए रखा था और अभी इनको बॉईल कर रही हूँ। दो कलियाँ लहसुन की डाल के, 2 cloves ऑफ गार्लिक, और अभी ये मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब हमने ये घर ख़रीदा था तो प्रॉपर्टी डीलर ने बोला था कि रोटी बनाते हुए आपकी रोटी जल जाया करेगी, आप बाहर ही देखते रहा करोगे। ये देखिए पीछे पार्क है, सो ब्यूटीफुल। सच में कई बार वही होता है। तो इसमें आपने लेना है थोड़ा सा अदरक, मैंने थोड़ी सी सॉस बनाई थी इसलिए सब कुछ कम कम ले रही हूँ। थोड़ा सा लहसुन, लहसुन आप ज़्यादा डाल सकते हैं, या धनिया की डंडियाँ, या फिर आप इसमें सैलरी, थोड़ा सा सैलरी ऐसे चॉप करके डाल सकते हो। तो इसको मैं अभी क्रश, थोड़ा सा ब्लेंडर में इसको ग्राइंड कर लूँगी मिर्च को। चंदा एंजल ने लास्ट वीडियो में बोला था कि आप रेसिपी भी शेयर किया करो, तो जैसे मैंने बोला था कि मैं बहुत बिजी रहने लगी हूँ, घर में ही सब कुछ बना रहे हैं, बाहर तक नहीं खा रहे, तो हर चीज़ घर में ही बन रही है। तो ये मैं आपको कुछ सिखा नहीं रही हूँ, जस्ट दिखा रही हूँ कि मैं ऐसे बनाती थी, लाइक बनाई थी मैंने। तो ये मैंने ऑलिव ऑयल में गार्लिक और जिंजर, अदरक और लहसुन को थोड़ा सा भूना था, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, मतलब उसको लाल नहीं करना है, थोड़ा सा उसको जैसे कह रहे हैं कि पसीना दिलाना है, स्वेट हो जाए थोड़ा सा, ये देखिए। और अभी थोड़ी देर में इसमें मैं वो धनिया का, हरा धनिया का डंडियाँ जो है, पत्ते नहीं डालने हैं, सिर्फ डंडियाँ डालनी है, वो डाल दूँगी। ऑयल की मात्रा आपने ज़्यादा ही रखनी है, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है ज़्यादा तेल हो तो। तेल आप कोई सा भी ले सकते हो, मैंने ऑलिव ऑयल लिया था जैसे मैंने पहले बताया। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ये चटनी आपको मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। चटनी क्यों बोल रही हूँ, सॉस है ये। अच्छा, ये बताना था कि चटनी में जो है आपको टोमेटो केचप डालना पड़ता है, ये सॉस है, मैंने नहीं डाला था टोमेटो केचप क्योंकि मैंने बाद में माइंड चेंज कर लिया था। और ये मैंने कढ़ाही में डाल दिया पिसा हुआ लाल मिर्च, थोड़ा सा, मुझसे ये ज़्यादा फाइन हो गया था, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे तो बेटर रहेगा। और इस चटनी को हम अबाउट 1-1.5 महीना रख सकते हैं, मैंने तो बहुत थोड़ा सा बनाया था और 2 ही दिन में फिनिश कर दिया था हमने, इतना टेस्टी बना था ये कि 2 ही दिन में इट वॉज चट। कम क्वांटिटी इसलिए बनाई थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो पहले देख लेते हैं, अगर अच्छा बना तो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा बनाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा बनाया था। वीडियो को एंड तक देखना, इसमें 2 चीज़ की रेसिपी है। और इसी सॉस से मैंने फ्राइड राइस भी बनाया था, चीज़ और हरे मटर डाल के, स्वीट पीज एंड चीज़, कॉरेज चीज़। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। अच्छा, ये बताया नहीं कि मिर्च का जो उबले हुए मिर्च का बचा हुआ पानी, वो भी इसी में डाल सकते हैं। और बीज आप निकाल दें अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, तो इसमें डालने से पहले, पेस्ट को डालने से पहले, पेस्ट बनाने से पहले आप सीड्स को निकाल सकते हैं, कुछ एक सीड, सारे नहीं निकालने। इसमें सोया सॉस भी डाल सकते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं इसमें वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका डालूंगी, और 1 चम्मच शक्कर भी डालूंगी थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए। और ये है सफ़ेद सिरका, यहाँ का, कनाडा का। सिरका गिरा दिया मैंने ऐसे अंदाजे से, मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा पानी गिर गया था इसमें, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर ज़्यादा, मुझे इसको रोस्ट करना पड़ा।
और जब पानी जब तेल ऊपर तैरने लगे, पानी ऊपर तैरने लगे, तेल ऊपर तैरने लगे, इसका मतलब है ये रेडी हो गया है। तो अभी कुछ देर और इसको पकाना है हमने। शक्कर डाल रही हूँ, गुड़ वाली शक्कर, आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हो, जस्ट थोड़ा सा मिठास लाने के लिए, बहुत ज़्यादा शक्कर नहीं डालना है। ये देखिए तेल ऊपर आ गया, बिल्कुल कम कम सी बनाई है और इतनी ज़बरदस्त वाला टेस्ट बना था। ओह माय गॉड, चिंग वाला मतलब सेम टेस्ट था। ये देखो 56 क्लिप्स थी रिकॉर्डिंग किया मैंने, जब इतनी लंबी वीडियो बन रही थी। इट्स नॉट ईजी टू मेक दिस वीडियोज़, इसी वजह से मैं रेसिपीज़ के वीडियोस नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं अकेले ही सब कुछ करती हूँ। और अब हम बनाने जा रहे हैं राइस, क्योंकि कढ़ाई में ये लगा हुआ था, मैंने इसी में ये पनीर डाल दिया है। पनीर को थोड़ा रोस्ट कर लेना है इसी में, एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं, पनीर में ही घी होता है ऑलरेडी, चिकना ही होती है। तो इसी में मैंने ये फ्रोज़न पीस डाल दिए हैं, फ्रोज़न है इसलिए ये थोड़ा पानी छोड़ेंगे तो कढ़ाई से ये लगा हुआ मसाला पूरा ये उठा लेंगे। देखने में आलू लग रहे हैं। राइस मैंने आधा घंटा भिगो के रख दिए थे वो पहले से ही, तो मैं शो करना भूल गई। अब इसमें मैंने ऐसे ही राइस डाल दिए हैं, नमक, किचन किंग मसाला, रेड चिली, वो तो चिली डाला है फिर भी चिली डाल रही हूँ, मिर्च के उसमें मिर्च डाल रही हूँ। कवर करके रख दिया, थोड़ी देर में देखते हैं। राइस भी बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। तो ये तो मैंने सॉस थोड़ा ठंडे होने के बाद इसमें डाल लिया था, इतनी सी बनी थी ये देखो, है ना मार्केट स्टाइल। तो बार बार ये तो बहुत जल्दी ख़त्म होती है, टेस्टी इतनी होती है कि बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो बार बार मार्केट से लाने से बेटर है घर पे ही बना लो। तो ये रहे राइस हमारे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं, थोड़ा खा रहे हैं। ये रही दूसरी शक्ल, हाय सैलेड, शेजवान सॉस, साथ में कनाडा ड्राई, नहीं वो दारू नहीं है था। और बियर भी नहीं है। शाम को हमने ब्रेड, हाँ, गार्लिक तो ब्रेड बनाया था इसलिए ज्यादा भूख नहीं। सैलेड, ओनली क्यूकम्बर्स, चाय के साथ गार्लिक टोस्ट बना लिया था इसलिए। शेजवान चटनी और कनाडा ड्राई द ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। ये चटनी नहीं है, सॉस है। बार बार मैं चटनी क्यों बोल रही हूँ, कंफ्यूजिंग है ना ये चीज। इधर भी है थोड़ा। अच्छा, मैंने अभी नोटिस किया कि मैंने सॉल्ट तो दिखाया ही नहीं उसमें। जब चटनी एकदम से रेडी हो जाए, चटनी या सॉस जो भी आप बना रहे हैं, तो उसमें सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है और एंड में डालना है, क्योंकि मैंने रेसिपी जिसकी देखी थी उसके हिसाब से उसने एंड में ही सॉल्ट डाला था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।